मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिससे मुझे डेटा डेली बेसिस पे डाउनलोड करना पड़ता है। मेरे पास एक डेटा है जिसके मुझे डेटा को एक सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जिससे मुझे डेटा को डाउनलोड करना पड़ता है। बट एक प्रॉब्लम उसमें क्या है कि अगर मतलब कि वो फाइल क्रिएट नहीं कर पाता, मतलब कि मुझे अगर डेटा डाउनलोड करनी है तो मैं एक्सेल बनाए हुए कोई फाइल का पाथ सेलेक्ट करूंगा तो उस पाथ पे डेटा को डाउनलोड उस फाइल के अंदर डेटा को कॉपी पेस्ट कर देगा। एक नई फाइल बना के डेटा कॉपी पेस्ट वो कॉपी नहीं कर पाता है, लेकिन किसी बनाए हुई फाइल किसी सेव की गई फाइल का हम पाथ देते हैं उस पाथ में उस डेटा को कॉपी पेस्ट कर देता है। समझ आया आपको प्रॉब्लम? जैसे ही आप लोग डाउनलोड पे क्लिक करते हो, क्लिक किया एक एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाती है ना, तो जब हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो मुझसे पाथ पूछता है कि किस फाइल में डेटा डालना है। जो फाइल सेलेक्ट करते हो उसके अंदर डेटा डालता है, वो फाइल क्रिएट नहीं कर पाता, राइट? तो अब मुझे क्या करना होता है कि हर दिन मुझे फाइल के लिए एक फाइल क्रिएट करना पड़ता है और उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से करना पड़ता है। पहले तो मेरा एक ड्राइव होता है, जैसे ई ड्राइव हुआ। अब ई ड्राइव के अंदर अभी साल कौन चल रहा है 2017, तो 2017 का फोल्डर होता है, ठीक है? अब 2017 के अंदर अब कौन सा महीना चल रहा है, सातवां महीना, तो सातवां महीना का फोल्डर होता है। अभी सातवें महीने के अंदर कौन सा दिन है, 17 है, तो यहां पे 17 का फोल्डर होता है। और फिर इस 17 के फोल्डर के अंदर में 17 डॉट एक्सेलेंस का अच्छा फाइल का फाइल होता है, जो भी एक्सटेंशन है उसका फाइल होता है। समझ गए? इसे बनाना पड़ता है। हेलो, तो समझ में आया प्रॉब्लम? कमल वर्मा जी, विकास, तुमको समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। मतलब कि ये फाइल मेंटेन करते हैं, जिस दिन हम डेटा डाउनलोड करेंगे मुझे इस फाइल का पाथ देना होता है। 17 तारीख आज है तो 17 तारीख का पाथ देना पड़ता है। 18 तारीख है तो 18 तारीख के पाथ देना पड़ता है। 19 तारीख है तो 19 तारीख का पाथ देना पड़ता है। तो फोल्डर वाइज कैटेगराइज होता है जिससे हमें डेटा को मैंने कि इंडेक्सिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, और हमारा बाकी जो माइक्रो है वो ऑटोमेटिकली इसी से डिजाइन है जिससे वो डेटा उठा लेता है, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या होता है कि मुझे हर दिन चेक करना पड़ता है कि 2017 ईयर तो चेंज नहीं हुआ है ना, तो ठीक है सातवां महीना हुआ तो फिर आठवां महीने का फोल्डर बनाना पड़ेगा, ये फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली इसको मेंटेन रहे, मुझे बस हर दिन एक माइक्रो रन करना है और जो जो फोल्डर फाइल की जरूरत है वो अपने आप क्रिएट कर।
जैसे कि ईयर चेंज होगा तो अलग एक ईयर आई में एक अलग फिर 2018 का फोल्डर बना देगा, मंथ चेंज होगा तो फिर अलग जो है 8 का फोन लगा देगा, डेट चेंज होगा तो अलग कर देगा, अलग कर देगा, सिक्वेंस में रहेगा एक के अंदर एक के अंदर एक, समझे। और जो मेरा सॉफ्टवेयर है इस सिस्टम को रीड कर लेता है, हम ड्राइव अगर सेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम डेट से रीड करके डेटा को डाउनलोड कर देते हैं, तो हमको फाइल फोल्डर सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इस पर्पज से मुझे इस माइक्रो को बनाना है। तो माइक्रो बनाने का पर्पज, रिजल्ट्स एंड प्रॉब्लम, ये सारे समझ में आ गए? ये जरूरी है कि इसको नहीं समझोगे तो फिर प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहां पे सेलेक्ट करना, यहां पे मैंने माइक्रो बनाया और मुझे यहां पे सबसे पहले ये पता करना होगा कि भाई सिस्टम का डेट ईयर मंथ कैसे निकलेगा ऑटोमेटिकली हर दिन। तो इसके लिए मैथमेटिक्स का सहारा लेंगे। याद होगा जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो हम लगते थे कि x इक्वल टू 100, x एक कांस्टेंट लेते थे ना, और जहां जहां मुझे 100 चाहिए वहां वहां हम x का इस्तेमाल करते, राइट। तो सेम हम इसी तरह का वेरिएबल्स अपने प्रोग्रामिंग में भी ले सकते हैं। जब मैं कर दिया y इक्वल टू ईयर और ईयर के अंदर में डाल दिया डेट, तो डेट क्या है, डेट इज ए टूडे फॉर्मूला। जैसे एक्सेल में मैंने आपको टुडे का फॉर्मूला पढ़ाया था, तो टुडे का जो फॉर्मूला है वो डेट हुआ, और इस टुडे में से जो ईयर अलग करेगा वो ईयर का फॉर्मूला है। तो जो 2017 है कैलकुलेट करके वाई पे स्टोर कर देगा, और जहां जहां मुझे वाई चाहिए, 2017 चाहिए, वहां वहां मैं वाई को ले सकता हूं इस एग्जाम्पल की, मतलब इस एग्जाम्पल जो है इसके अकॉर्डिंग। ऐसे तरह इसी तरह से हम कर देते हैं मंथ, m इक्वल टू मंथ, मंथ के अंदर में डेट एंड डे, डी इक्वल टू डे के अंदर में मंथ। तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली सिस्टम डेट का ईयर y पे स्टोर करेगा, सिस्टम डेट के मंथ m पे स्टोर करेगा, और डे जो है d पे स्टोर। तो ऑटोमेटिकली हर दिन अपने आप को अपडेट कर रहा है। हेलो, क्या बोल रहे थे? वो मंथ मंथ से डेट निकालेगा वहां से, डेट जो सिस्टम डेट है उसमें से मंथ अलग करेगा, मतलब कि सेवन अलग करेगा। डे में डेट में लास्ट वाला बोलो, लास्ट वाला जो है लास्ट जो डी है मंथ में से, आज का डेट 17 है ना, लास्ट वाला अलग करेगा। एक्सेल पे आपने यार इतना इतना भुलक्कर मत बोलो यार, एक्सेल में सिखाया तो है चीजें मैंने, और दूसरा पढ़ाऊं मैं आपको डेट एंड टाइम कैलकुलेशंस फॉर्मूला की चौथी क्लास। समझिए सर, समझिए। भुलक्कर मत बोलो यार, अब स्कूल लाइफ स्टार्ट मत करो कि आगे पढ़ते गए और पीछे भूलते गए। अब बड़े हो गए आप लोग, बच्चे नहीं रहे। ठीक है, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, राइट। हेलो सर, हेलो, बोलिए सत्यवीर जी। डेट का डेट जो है इसमें वर्क करेगा एक्स वीडीए में? हाँ, ये चलिए यहाँ पे देखो। हाँ, डेट फॉर्मूला वर्क करेगा, जैसे टुडे होता है ना एक्सेल में, ऐसे यहाँ पे डेट होता है। अगर अगर हम डेट की जगह टुडे यहाँ यूज करें तो क्या करेगा? टुडे सर नहीं, टुडे परफॉर्म नहीं करेगा, टुडे एक्सेल का फॉर्मूला। मतलब देखिए सुनिए, कोई भी एक्सेल फॉर्मूला जब लगाएंगे ना, देखिए कोई भी एक्सेल फॉर्मूला लगाएंगे, टुडे लगाया, ब्रैकेट ओपन किए, नीचे एक्सप्रेशन आया, नहीं आया, मतलब ये सपोर्ट नहीं करता। लेकिन डे फॉर्मूला एक्सेल का है, नीचे एक्सप्रेशन आ गया ना, इट मींस ये सपोर्ट कर रहा है, समझ गया?
तो आप लगा के ट्राई कीजिएगा, नीचे एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसका मतलब कि वो सपोर्ट कर रहा है, नहीं आएगा तो नहीं कर रहा सपोर्ट। लेकिन एक्सेल में डेट का फॉर्मूला कुछ और था, एक्सेल में डेट का फॉर्मूला कुछ और था, लेकिन यहां डेट का फॉर्मूला टुडे को रिप्लेस किया है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फोल्डर कैसे बनाएंगे। तो फोल्डर बनाने का कोड होता है MKDIR। MK मतलब मेक, DIR मतलब डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी। तो DIR लिखिए और जहां फोल्डर बनाना है उसका पाथ लिखिए। जैसे मुझे ई ड्राइव के अंदर 2016 या 2017 का फोल्डर बनाना है, क्या हो गया। तो जो लास्ट में लिखोगे उस डायरेक्टरी को बना देगा। हेलो जी, सर ये डबल स्लैश यहाँ पर क्यों लगाते हैं, कुछ बता सकते हैं सर इसके बारे में। पाथ होता है, पाथ लगाने का स्टाइल होता है। ओके, वो हर पाथ में डबल स्लैश लगाना जरूरी होता है। अब ये तो नहीं कर सकता मैं, यहाँ देखिए। ओके सर, ये ऊपर जो पाथ होता है ना, हाँ जी हाँ जी, ये पाथ होता है, ये पाथ कॉपी कर लो। डबल स्लैश जैसे इंटरनेट का पाथ है, एनएफटी का पाथ, एक तरीका बोलते हैं। मान लो कि ई ड्राइव, मेरा ई ड्राइव सिस्टम पे है, लेकिन बहुत सारे लोगों का शेयर ड्राइव होता है ना। यस सर, तो वो में डबल पाथ होते हैं, तो मैं हमेशा डबल पाथ यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन होती है कि कौन है कौन नहीं है, इसलिए हमेशा नेटवर्क पाथ भी होते हैं। ओके सर, लेकिन मुझे तो वाई पे जो वैल्यू स्टोर है वो चाहिए, तो मैंने यहां पे कॉनकेटेनेट कर दिया। किसको? वाई, ठीक है। ई ड्राइव में 2017 का फोल्डर बनाएगा। अब मैंने बोला, अब ऊपर 17 का फोल्डर बना चुका है, और नीचे मैं बोल रहा हूं कि 2017 के अंदर साल, मैंने कि मंथ जो है 7 है, उसका फोल्डर बनाओ। तो इसके लिए मैंने यहां पे और एंड हमने दे दिया M। तो 2017 के अंदर इसने 7 राम का फोल्डर बना दिया, क्योंकि लास्ट वाला फोल्डर बनाता है जो लास्ट वाला होता है। और यहां पे फिर हम एन परसेंट लगाते हैं, और हमने बोलते हैं इसके अंदर डी नाम का फोल्डर बनाए। तो 3 फोल्डर बन गए। फोल्डर बना रहे हैं, किसी को बताओ? सीक्वेंस भी होना चाहिए, सीक्वेंस, ये सीक्वेंस होना चाहिए, क्योंकि पहले 2017 का फोल्डर बनाएगा, 2017 के अंदर 7 का फोल्डर बनाएगा, 2017 के अंदर 7 के अंदर 17 का फोल्डर बनाएगा, और 2017, 7 और 17 यहां पे कैलकुलेट होगा। अब बोलिए क्या बोल रहे थे कुछ लोग? बोल रहा था जैसे यहाँ पे उसने ईयर का फोल्डर क्रिएट कर दिया, अब ईयर का जो आपने ये वैल्यू दिया है वहाँ पे, उसको मैं मैनुअली लिख सकता हूँ क्या 2017? मैनुअली जब आप लिख दोगे तो फिर ऑटोमेटिक से रहेगा? नहीं, ऑटोमेटिक नहीं। सपोज उसने 2017 का फाइल क्रिएट कर दिया, अब एक साल तक मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आपने 2017 मैनुअली कहीं भी आप इस्तेमाल किए, तो अगर आप जब ईयर चेंज होगा 2018 होगा, तो फिर मैनुअली 2018 करना पड़ेगा ना। हाँ वही मैं बोला कर, वो तो एक साल बाद करना पड़ेगा ना, लेकिन उसको मैनुअली लिख सकता हूँ या नहीं, ये इसमें कुछ हो सकता है क्या? लिख सकते हो यार, अभी मैं लिख के बताया नहीं यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे लिख के बताया ना, वो लिख के नीचे वाला सेकेंड जब ऊपर लिख सकते हैं तो नीचे भी लिख सकते हैं। प्रेम कांत पांडे जी, देखिए बेसिकली
ऐसे लिखना होगा अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। देखो यहाँ पे ऐसे पास लिखना पड़ेगा अगर मैनुअल लिखते हो तो 2017, ठीक है, इन्वर्टर के बाद 2017 का फोल्डर बनाएगा। अब मुझे 2017 के फोल्डर के अंदर क्या बनाना है, एक मिनट, अब मुझे इसमें क्या चाहिए, 2017 फोल्डर के अंदर चाहिए ई ड्राइव स्लैश 2017/7, राइट। इसमें क्या हो जाएगा कि ई ई ड्राइव स्लैश 2017/7/17, तो ये ऊपर वाला ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। अगर आप मैनुअल लिखना चाहते हो तो फिर इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दो, क्यों ये कि आपको हर बार चेंज करना पड़ेगा। ऑटोमेटेड नहीं होगा सर वो, हाँ समझ गए, ये वेरिएबल्स जो है वही तो बताया मैंने आपको कि आप यू नो अगर आप मैथमेटिक्स में x इक्वल टू 100 लेते हो तो आप जरूरी थोड़ी है कि x इक्वल 100, आप कैलकुलेशन को आसान करने के लिए x इक्वल टू 100 लेते हो, अदरवाइज जहां जहां x है वहां 100 यूज कर सकते हो ना, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए सिंपलाइज करने के लिए हम कॉन्स्टेंट लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी हम ये करते हैं। अब मान लीजिए देखिए ना, मुझे तीन जगह पे 2017 लिखना पड़ा ना, अगर मैं डायरेक्ट यहीं पे 2017 लिख देता 2017 तीन जगह लिखने की जरूरत नहीं है, इन फ्यूचर मुझे अगर चेंज करना होगा तो कितना जगह चेंज करना पड़ेगा, अगर वेरिएबल्स मैं ऊपर डिफाइन कर दूं तो एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा, तो वेरिएबल्स इस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर आगे बहुत बड़ी क्लास होगा, इसके ऊपर बहुत बड़ी क्लास होगी, आप चिंता मत कीजिए। फिलहाल आपको ये समझिए कि मुझे अगर VBA में कोई वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे कि हम अगर एक्सेल में मुझे कुछ वैल्यू रखना है तो हम किसी सेल के ऊपर जाके टाइप कर देते हैं ना, इस पे हमने B3 पे कर दिया तो B3 एक एड्रेस है ना, उसी तरह से एक्सेल में कोई चीज अगर होल्ड करना आपको तो आप इस तरह से XYZ ABCD कुछ ले सकते, राइट ओके। चलिए तो फोल्डर क्रिएट हो गया, अब मुझे फाइल क्रिएट करना है, यहां लिखता हूं workbooks.app.saveaj सेव एज, और कहां सेव करना है मुझे इस लोकेशन में, नाम क्या है &% हमने यहां पे दे दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये दिख रहा है ना आपको सर, ये पाथ कुछ इस तरह से बनेगा, पाथ जो बनेगा /17.xlsx, समझ गए, 2017 के अंदर 17.xls। उसके बाद करेंगे हम एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू, आपका फाइल बन। अब इसमें दिक्कत क्या हो, अब बहुत होगा कि अब जैसे मैं बोला कि मैंने अगर ईयर का फोल्डर हमारा बन गया तो पूरे साल हमको ईयर का फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं, अगर हमने मंथ का फोल्डर बना लिया हमें पूरे साल मंथ के फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज है कि मैं बनाने का भी कोशिश करूं तो एक लोकेशन में एक नाम के दो फोल्डर या फाइल जनरेट नहीं किए जा सकते, सिस्टम करने ही नहीं देगा, मतलब कि मुझे इस लाइन पे एरर आएगा, इस लाइन पे क्या आएगा, एरर आएगा, समझे सर, तो मैं ई ड्राइव सही नहीं हूं बस, समझे, तो मैं ई को डी कर देता हूं,
मैं चुराने करके दिखाता हूँ। तो 17 का फुल रूप बना दिया, 7 का फुल रूप बना दिया, 17 फुल रूप बना, लेकिन इसमें शीट को ऐड नहीं करा, नहीं फाइल क्रिएट कर लिया, उसको सेव एज नहीं कर पाया, लग रहा है इसकी इसमें कुछ प्रॉब्लम है। यही एरर आ रहा था मेरा भी। हो गया, वो डबल स्लैश नहीं ले रहा था ना इसमें। आगे ठीक है सर, कोई डाउट सर? नहीं सर। अब इस मैक्रो को मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, आप लोग सर एक बात बताओ बोलिए सर, उसको जितनी बार हम रन करेंगे उतनी बार 2017 का फोल्डर बनाएगा क्या वो? हाँ, ये तो टॉपिक में मिसी कर गया आप लोगों के चक्कर में। अब यहाँ भी अब ऐसा सवाल पूछने से पहले आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या एक ही फोल्डर में दो नाम के फाइल या फोल्डर बन सकते हैं? नहीं रखते तो एक काम हो, वो 2017 में ही मंथ वाइज वो शो करता है। जैसे मैं इसको रन करूंगा, रन करते ही देखो एरर आ गया, फाइल पाथ एक्सेस, हां रन ही नहीं करेगा, रन ही नहीं आ गया। क्यों? क्योंकि 2017 नाम का फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, किसी भी कीवर्ड में 2017 नाम का फोल्डर नहीं बना रहेगा, और मुझे बनाने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही हमें सेव करना है। तो मुझे क्या करना है कि इस लाइन को स्किप करना है, तो यहां पे आएगा ऑन एरर रिव्यू नेक्स्ट, वो क्या करेगा, जिस लाइन में एरर होगा उस लाइन को एरर स्पेलिंग मिस्टेक है, उस लाइन को स्किप कर देगा। ठीक है, अब परफेक्ट कोड जो फोल्डर नहीं होगा वही डिसाइड क्रिएट होगा। मैं कोड में भेज रहा हूं, आप लोग इसको स्टडी कीजिए, फिर हम कल जो है सीट हैंडलिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अच्छा सुबह 9 बजे का बैच भी आप ही के साथ चल रहा है, तो अगर आप लोगों को कभी जरूरत पड़ा 9 बजे ज्वाइन करने का तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग में सब तो टाइम तो रहता है, मॉर्निंग में ऑफिस होता है सर, तो मैं आपको ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बोला हूँ कभी अगर मान लो शाम को ज्वाइन नहीं करना, सुबह में हो तो यू कैन ज्वाइन इट। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर, ओके मिलते हैं कल, ओके बाय।